नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। मां नर्मदा जन्मोत्सव पर दाई अम्मा समिति ने निकाली कलश यात्रा। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर समिति सदस्य राज खरे ने बताया कि विगत 13 वर्षों की तरह इस वर्ष भी मां नर्मदा जन्मोत्सव पर दाई अम्मा समिति के द्वारा मां नर्मदा दाई अम्मा जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, जिस दौरान कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें 200 से अधिक महिलाएं कलश यात्रा का पुण्य प्राप्त करेंगी। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार के यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। हम लोग 13 वर्ष से कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसी कार्यक्रम को हम लोग और आगे बढ़ाते रहें। माँ दाई अम्मा परिवार की ओर से माँ दाई अम्मा का आशीर्वाद सदर पर बनाया है और माता के आशीर्वाद से भक्तजन ने आज माता के लिए सोने का हार माता को अर्पण किया है और क्षेत्रीयजनों का इसमें बढ़कर सहयोग है और आज शाम 7 बजे माता की महाआरती है और अभी 11 बजे के आसपास माता की कलश यात्रा रही, जो अभी कलश यात्रा चालू हो रही है। आपका नाम? जी भैया, मेरा नाम रोहित समल, मैं दाई अम्मा परिवार का कार्यकर्ता हूँ और आज माँ नर्मदा का जन्मोत्सव है, तो इसके लिए सभी शहरवासियों को माँ दाई अम्मा परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी माँ नर्मदा दाई अम्मा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि कोरोना गाइडलाइंस के बिल्कुल साथ मिल के काम किया जा रहा है और आज का दिन हम लोग माँ नर्मदा जन्मोत्सव कलश यात्रा और महाआरती भंडारे के रूप में करते हैं। 2 साल से विगत कोरोना के चलते हुए ये कार्य हम लोग ढंग से नहीं कर पा रहे थे, जो कि अब माता रानी की कृपा से कोरोना में काफ़ी बदलाव रुकावट आई है, इसमें हम थोड़ा बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोगों का ये कार्यक्रम कहाँ से आयोजित, कहाँ पर आयोजित है और कब तक चलेगा? ये हमारा प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी तीन दिन का रहता है, जो कि हम पहले दिन माता का मूर्ति का आगमन करवाते हैं, मतलब नर्मदा जन्मोत्सव के एक दिन पहले, और जिस दिन नर्मदा जन्मोत्सव होता है उस दिन महाआरती कलश यात्रा भंडारा करते हैं और दूसरे दिन विसर्जन कर देते हैं। आज क्या आयोजन? आज कलश यात्रा का रखा गया है और महाआरती का। लगभग कलश यात्रा में कितने लोग शामिल होने का अनुमान है? करीब 200 महिलाओं का इसमें कलश यात्रा का। कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये चुंगी चौकी काली मंदिर के पास से माता के दरबार तक आएगी, जो कि कांजगर सर्वोदय स्कूल के पास है। मेरा नाम राज खरे, धर्म जागरण सह संयोजक, और मैं समिति का कार्यकर्ता हूँ।